हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे अनोखे जानवर से मिलवाने वाले हैं जिसको कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये अनोखा जानवर छोटे से लेकर बड़े सभी जानवरों को अपना शिकार बना लेता है, यहाँ तक कि जमीन और पानी दोनों में ही शिकार कर सकता है। पानी में मौजूद सांप इनका फेवरेट खाना होते हैं, चाहे वो जहरीले ही क्यों ना हो। सांपों के बारे में कौन नहीं जानता, ये कितने खतरनाक और जहरीले होते हैं। वैसे तो नेवला ही इनका एक प्राकृतिक दुश्मन है, लेकिन ओटर इनका शिकार भी करते हैं। आप इस क्लिप में ही देख सकते हैं कि कैसे ओटर का ये ग्रुप एक सांप को घेर कर उसका शिकार करता है। ये ओटर सामने आने वाले सभी जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं। जहरीले सांपों को खाने से भी इन पर जहर का कोई असर नहीं पड़ता है। पानी में सांप जमीन की तुलना में कहीं तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं, ओटर से ज़्यादा फुर्तीले भी होते हैं। इसके बावजूद भी ओटर सांपों का शिकार कर ही लेते हैं। कछुए के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, इनका कवच बहुत ही मजबूत होता है। विशालकाय मगरमच्छ भी इनके शेल्स को तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन ओटर वो जानवर है जिसको इसकी कोई परवाह नहीं होती है, उसे तो बस शिकार करना है। कछुए बहुत ही स्लो होते हैं, जिसकी वजह से ये फुर्तीले ओटर्स कछुए को आसानी से पकड़ लेते हैं और अपने मजबूत जबड़े में कछुए का शेल तोड़कर शिकार कर ही लेते हैं और बड़े बेरहमी से कछुए को टुकड़े टुकड़े कर खा जाते हैं। ये तो बात थी कछुए की। ओटर तो केकड़े जैसे कठोर जानवर को भी नहीं छोड़ता है। केकड़ा बहुत ही मजबूत और ताकतवर जीव है। इसके मजबूत पंजे में फंसी कोई भी चीज़ आसानी से सही सलामत नहीं बच सकती है। इसके बावजूद भी ओटर केकड़े पर हमला कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओटर को केकड़े ने बार बार अपने पंजों से पकड़ना चाहा, लेकिन इसकी मोटी चमड़ी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। केकड़े और ओटर के लंबे चवले इस घमासान में आखिरकार ओटर केकड़े का शिकार कर ही लेता है और जिंदा केकड़े को ही बड़ी आराम से पानी पर तैरते हुए अपने पेट पर रखकर चबाता रहता है। ओटर के इन जानलेवा हमलों से बंदर जैसा तेज तरार जानवर भी नहीं बच सकता है। बंदर नटखट स्वभाव के होते हैं और दूसरे जानवरों को परेशान करने में इन्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन कभी कभी बंदरों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, वो भी अपनी जान देकर। ओटर को मासूम जानवर समझकर ये बंदर उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद बंदर नहीं जानते कि वो ओटर से उलझ रहे हैं जो पल भर में पूरा गेम बदल सकता है। इस खेल में बंदर को जान गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि ओटर के लिए सभी जानवर शिकार जैसे होते हैं। दोस्तों, क्या हो अगर ओटर किसी मगरमच्छ पर ही हमला कर दे? क्या मगरमच्छ ओटर को चबा डालेगा या फिर ओटर का शिकार बन जाएगा? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ओटर्स मगरमच्छ का शिकार अक्सर करते रहते हैं और क्रोकोडाइल इनका सबसे पसंदीदा शिकार भी होते हैं। बात सुनने में जितनी अजीब है, देखने में उससे भी ज़्यादा अजीब है। हो भी क्यों ना, दिखने में इतना नॉर्मल और क्यूट सा जानवर अगर किसी क्रोकोडाइल का शिकार कर ले तो हैरानी तो होगी ही। ये क्यूट सा जानवर समंदर का शैतान कहे जाने वाले ऑक्टोपस को भी अपना शिकार बना लेता है। ऑक्टोपस बहुत ही शातिर और माहिर खिलाड़ी होते हैं। अगर कोई शिकार इनकी भुजाओं में फंस जाए तो बचकर निकल पाना नामुमकिन होता है, लेकिन ओटर पर ना तो इनकी भुजाएं काम करती हैं और ना ही रूप बदलने की इनकी कला। ओटर के लिए ऑक्टोपस बस एक मासूम सा शिकार है, जिसको ओटर किसी नूडल की तरह उधेड़ उधेड़ कर चबा जाता है। अगर आप ओटर के इन सभी हमलों को देखकर हैरान हो रहे हो तो रुकिए, आगे इससे भी बड़े हमले देखने वाले हैं। दोस्तों, आपने मॉनिटर लिजर्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। ये लिजर्ट बड़े बड़े जानवरों का शिकार करती है, लेकिन कभी कभी इन दानव का सामना सिर्फ रे ओटर से भी हो जाता है, जहां ये दानव लिजर्ट बुरी तरह से पिटती है, जिसके बाद ओटर्स का ये ग्रुप अपना लंच बनाने के लिए इस मॉनिटर लिजर्ट पर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद मॉनिटर लिजर्ट का दर्दनाक अंत हो जाता है। क्या आपने इलेक्ट्रिक ईल का नाम सुना है? इलेक्ट्रिक ईल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। ना तो इलेक्ट्रिक ईल का करंट इस पर असर करता है और ना ही इसको कोई फर्क पड़ता है। इसे तो बस सब कुछ खाना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ईल ही क्यों ना हो। लगता है मानो कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है। दोस्तों, आपका कुत्तों के बारे में क्या ख्याल है? क्या डॉग्स इस ऑर्डर का मुकाबला कर पाएंगे? वैसे साइज में दोनों लगभग बराबर होते हैं। यहाँ पर डॉग्स एक ऑर्डर को अकेला देख कर घेर लेते हैं। डॉग्स को लगा ये अकेला ओटर इनका भला क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन थोड़ी देर में ही डॉग्स का ये वहम भी दूर हो जाता है।
अकेला आउटर इन सभी डॉग्स पर भारी पड़ता है और अकेले ही सभी डॉग्स की धुलाई जम कर कर देता है, जिसके बाद ये सभी डॉग्स अपनी जान बचाने के लिए दुम दबा कर भागते हैं। सी अर्चिन एक समुद्री कांटेदार जीव होता है। इसको भी ये जनाब कुरकुरे की तरह क्रंच करके चबा जाते हैं। पहले ये सी अर्चिन के नुकीले कांटों को अपने मजबूत दांतों से तोड़कर हटा देता है, फिर उसका शेल तोड़कर सी अर्चिन को खा जाता है। ओटर ऐसे जानवरों का शिकार करता है जिनको देखकर अच्छे अच्छे जानवर दूर भाग जाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।